हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हा स्मॉल टेक। मेरा नाम सतीश है। आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस की आप सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा, हमने मोल्ड कंप्लीट मोल्ड की ड्राफ्टिंग की। ड्राफ्टिंग के बाद का जो प्रोसेस है, यानी कि इलेक्ट्रो डिज़ाइन का, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रो डिज़ाइन का नेक्स्ट वीडियो होगा। तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रो डिज़ाइन कैसे करते हैं और EDM को कैसे रेफरेंस हम देते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए इलेक्ट्रो डिज़ाइन इन NX असेंबली। ये हमारा वही मॉडल है जिस पर हमने ड्राफ्टिंग की थी। अब मैं इस पर आपको इलेक्ट्रो डिज़ाइन बताऊंगा। इसमें हमारा कोर में कोई इलेक्ट्रोड नहीं है। कोर आप देख सकते हैं कि BMC से आराम से फिनिश हो सकता है। तो हम कैविटी देखते हैं, कैविटी में क्या है। अच्छा, ये कैविटी में ये जो रिबे हैं ये BMC से फिनिश नहीं हो पाएंगी, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा। ये आपका ये जो एरिया है ये आपका फिनिश हो जाएगा BMC से, पर ये जो रिबे हैं ये नहीं होंगी। तो इसके लिए मैं इलेक्ट्रोड बनाता हूँ। पहले मैं इसका एक फोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि एक फाइल में आप इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो काफ़ी हैवी फाइल हो जाएगी। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ पैरासोलिड। देखिए, यानी किसी भी अलग फॉर्मेट में कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट पे जाके पैरासोलिड पे हम फाइल सेलेक्ट करेंगे। फाइल सेलेक्ट करके आप डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बना लीजिए। ये आपका कैप का मोल्ड है, कैप मोल्ड इलेक्ट्रोड, कैप मोल्ड इलेक्ट्रोड। यहाँ पे कैविटी इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब आप इसमें न्यू NX खोल लीजिए। न्यू NX को ओपन कीजिए। यहाँ पे ओपन पे जाइए। डेस्कटॉप पे आपने इलेक्ट्रोड के नाम से जो फोल्डर बनाया हुआ है, कैप मोल इलेक्ट्रोड, यहाँ पे ऑल फाइल, इसको आप खोल लीजिए। ये आपकी एक अलग फाइल बन गई, जो इलेक्ट्रोड की फाइल पूरी कंप्लीट बन जाएगी। अब आपको पहले इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड वन, कैविटी इलेक्ट्रोड वन, तो इस पे राइट क्लिक करके मेक वर पार्ट करेंगे। तो सिंपल वे है, अब सीधा इस पे स्केच लें। इसको आप एक्सट्रूड कर लीजिए, बाहर की तरफ ले लीजिए। सब्ट्रैक्ट, ये आपकी पूरी शेप बन गई है। अब आप कैविटी हाइड कीजिए, और जो आपका एक्स्ट्रा जो जहाँ पे भी आपको एज लग रहा है वहाँ से आप हटा दीजिए। अब ये आपका इलेक्ट्रोड बन गया है। अब आपको इसमें रखना क्या है और क्या हटाना है, ये आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्योंकि इसमें क्या है, ये वाला डाया, जो बाहर वाला जो डाया है, आप BMC से आराम से बनेंगे, सिर्फ हमें रिब का चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे इस फेस को, स्प्लिट कर देंगे। इसको भी हटा देंगे, तो ये आपका यहाँ से हट जाएगा। अब जैसे अगर मैं इसको सामने से देखता हूँ, तो यहाँ पे जो फ्लैट है, यानी कॉर्नर बना हुआ है, ये BMC पर बनेगा नहीं, क्योंकि हम इसको नहीं बना सकते। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो डाया है,
इस डायर को मैन्युअली सेलेक्ट करके छोटा कर दूंगा। अब ये मैंने मैन्युअली सेलेक्ट करके छोटा कर दिया। अब यहां पे मैं इसको जितना हो सकता है टू पॉइंट फाइव नहीं हो सकता टू का आर मेरा आराम से यहां पे आ जाएगा। तीन का कटर आराम से चलेगा ये, और इसको एक्सटेंड कर लीजिए फेस पे सेलेक्ट। इसके बाद आप इसको यूनाइट कर दीजिए, 2 mm आप इसको और हटा दीजिए पीछे, जो कि आपका सरफेस टच ना हो। ये आपका बन गया। अब यहां से ये चेक कर लीजिए आपकी थिकनेस कितनी है, 10 mm कम से कम होनी चाहिए। ये 31 mm है, इसको आप 21 mm हटा दीजिए। ये आप छोटा कर दीजिए इसको, क्योंकि जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो उतना ही बड़ा आप इलेक्ट्रोड बनाएं, और इसमें चैम्फर जरूर दे दीजिए, जो कि आपको दूसरी साइड लगे तो आपको चैम्फर से पता चल जाए कि आपकी पोजीशन क्या है। अब आप इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इसमें इंग्रेविंग कर दीजिए, जो कि ना तो VMC वाले से गलती हो, कैविटी इलेक्ट्रोड 1, ओके, सब पैक कर दीजिए। ये आपकी इंग्रेविंग होगी। अब आप इसको कॉपी कर दीजिए, ये आपका आगे सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट इस पर कर रहा है। उसके बाद सेकंड व्यू, नीचे 2 व्यू आपको दिखाने हैं, जेड और एक्स वाई। इसमें 3 पोजीशन आएगी, एक्स वाई जेड, तीनों पोजीशन आपको दिखानी है। हिडन लाइन आप इसकी शो कर लीजिए, टू डी सेंटर लाइन जब भी आप दें सेंटर से तो 2D सेंटर लाइन जरूर बना ले, ऐसे आप इलेक्ट्रोड की भी बना लीजिए। प्रेफरेंस में, मेन्यू में प्रेफरेंस, ड्राफ्टिंग पे आप लेटर हाइट वगैरह सेट कर लीजिए। सबसे पहले लेटरिंग में हेलियस कोन IT सेट है 4 mm, ये ओके है, इसको ओके कर दीजिए। एक्सटेंशन लाइन चेक कर लीजिए, 1 mm का गैप है, ये भी ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूनिट, यूनिट पे चेक कर लीजिए पीरियड 2 है या नहीं। कोऑर्डिनेट पे देख लीजिए, ये सारा हटा हुआ है, नन है, ये भी ओके है। अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब आप ऑर्डिनेट डायमेंशन पे जाएं,
ये आपकी सेंटर लाइन है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जीरो पे है ये, ठीक है। अब आपका वाई जीरो और ये आपकी सेंटर लाइन 23, इधर से भी आप चेक कर लीजिए 23, और ये भी आप दे दीजिए सेंटर लाइन पर क्लॉक। इस साइड आगे इसको इस साइड ले, और अब जेड इसका दे दीजिए। इसके बाद ये आपका क्लियर हो गया, एक्स वाई, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। अब आप इंपोर्ट पार्ट स्टैंडर्ड जो शीट आपने बनाई है A4 की, वो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। थोड़ा जो एडजस्ट करना है आपको इसको, छोटा बड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए। आप कैविटी हेड करके इलेक्ट्रोड कैप ड्राइंग जरूर बनाएं जब भी आप रेफरेंस दें। व्यू डिपेंडेंट एडिट से आप इसको हाइड कर दीजिए जो आपको नहीं चाहिए, इसको अपडेट कर दीजिए, इसका सेकंड व्यू। सेलेक्ट करके व्यू लेंगे तो वही व्यू आएगा जो आपको बना हुआ है। और इसका आइसोमेट्रिक व्यू मैनुअली आप बना लीजिए। इसको अगर छोटा करना तो आप छोटा कर लीजिए, क्योंकि आपको तो मैनुअली देखना है इसको। इसके बाद आप इसकी डायमेंशन दे दीजिए जो जो आप चेक कर सकते हैं। यहां से इसकी हाइट आप दे दीजिए, तो यहां से ओवरऑल कितना है, छोटा सा क्या नाम, इसकी रिब की थिकनेस भी आप चेक कर सकते हैं, तो रिब की थिकनेस भी आप दे दीजिए। ये जो जो आप चेक कर सकते थे वो आपने दे दी है। अब आप इसमें स्पार गैप वगैरह जो डिटेल है इसकी, वो आप टेक्स्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। रफ इतना है 0.3, फिनिश इतना है टोटल। टोटल मतलब आप ओवरऑल जो चेक करेंगे टोटल, इतना आपको डिफरेंस मिलेगा इस साइज में। जैसे ये 24 है, 24 माइनस 0.3 तो ये आएगा 23.7,
23.7 आपका रफ का साइज हो जाएगा, और आपका फिनिश का जो साइज होगा वो 23.85 ये आपका साइज होगा विद स्पार गैप। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वारी है, कुछ जानना चाहते हैं मोल्ड डिज़ाइन के बारे में, या कोई किसी भी चीज़ की कोई क्वारी है, या इसी में ही कुछ आपकी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट पे करके ज़रूर बताएं, मैं जितनी जल्दी हो सके आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।